बार का फोर लेग, जो टॉप बॉटम यहाँ पर दिया गया है, फोर लेग स्टिरअप साइज, मेन बार जो बीम के डाया है वो टॉप और बॉटम के लिए तीन तीन नंबर, यानी यहाँ पर मैं 1 2 3 और नीचे के 1 2 3 तीन तीन पीस यहाँ पर बिठा के हम फोर लेग स्टिरअप, जैसे हम ड्राइंग में देखते हैं तो सेक्शन में ऐसे देखते हैं, और एक शेड्यूल में जो देखते हैं तो लेग्ड वहां पर लिखा हुआ है, तो ऐसा डायग्राम रहते हैं। तो इसके हिसाब से हमें निकालना होगा साइज। तो कैसे करना है देखिएगा इस वीडियो में, आपको दो पद्धत से मैं फोर लेग्ड स्टिरअप बिठाने की सलाह दूंगा, उससे आप जो आपको क्लाइंट या कंसल्टेंट एक्सेप्ट करेगा उस पर आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें साइज निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। कटिंग लेंथ हम बाद में फॉर्मूले चालू करने ही वाले हैं, लेकिन ये जो फोर लेग्ड है इसकी साइज हमें निकालना, ये सब बेसिक आना ही चाहिए। इसके लिए हम पहले ये छोटे छोटे पॉइंट ले रहे हैं, उसको क्लियर करके आगे चल के हमें कोई तकलीफ नहीं आए। दोस्तों अभी ये फोर लेग्ड स्टिरअप्स है, इसमें दो टाइप की यूज करते हैं। एक होता है सेम अलग अलग रखना है, इसके अंदर मान लीजिए यहां पर आपका बार एक होगा, इसके अंदर एक बार होगा, यहां पर एक बार होगा, यानी ऊपर में तीन बैठ गए और नीचे में तीन, टॉप बॉटम तीन तीन पीस सेम है इससे। और एक है कि दोनों भी एक ही साइज निकालो और सेम बंडल रिंग जो एक साथ में दो स्टिरअप बांधो, उसकी होगी फोर लेग्ड रिंग ऐसे टाइम पे, लेकिन बट उसमें तीन पीस है और वहां पर 300x500 है और वो साइज में 32 का बार है, 40 का बार है और बैठ नहीं रही है सर इसके अंदर में, तभी आप एक साथ बांधी कर सकते फोर लेग्ड। वो अभी पहले शुरू में इसकी साइज निकालना इम्पोर्टेंट है, पहले ये बात करेंगे, उसके बाद वाला वो अलग से बात करेंगे जहां पर नहीं बैठेगा। तो अभी यहां पर इसकी साइज कैसे निकालना होगा देखिएगा। सबसे पहले हमें मेन कवर जो है वो हमें जो है पहले मेन बार, इस मेन बार को इक्वल सेंटर में बिठाना होगा, उसके हिसाब से हमें ये स्टिरअप्स की साइज निकालनी होगी। देखिए जब भी हमारे बीम के बार्स होते हैं वो हमें इक्वल सेंटर में फिक्सिंग करने होते हैं, उसके हिसाब से ही हमारी जो स्टिरअप्स है उसकी साइज निकलती है। तो वो कैसे करते हैं तो हम इस वीडियो में अभी देखो चालू कर रहे हैं। पहले जैसे कि हम यहां पर आए, अभी इस मेन स्टिरअप्स को पहले मान लीजिए यहां पर कवर कितना है, तो पहले कवर चालू करते हैं। देखिए पहले कवर माइनस करना दोनों साइड से, हम बॉटम मेन बात बॉटम ही हमें इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बॉटम पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों साइड से जो हमारा कवर है, जैसे हम हमारा कवर लेते हैं 30 mm यूज करने के लिए, ठीक है, 30 mm हम कवर ले रहे हैं, ठीक है, और हमारा रिंग का डाया जो है वो ले रहे हैं हम 10 mm, ठीक है। तो हम यहां पर आ रहे हैं, अभी कवर हमने कितना लिया था 30 mm, तो हम यहां पर 30 mm माइनस करेंगे और दूसरा साइड से भी 30 mm माइनस करेंगे, जैसे कि 300 mm में 30 mm माइनस करेंगे। तब यहां पर हम साइड में डायग्राम करेंगे, जिससे हमारा कॉन्क्रीट साइज है, कॉन्क्रीट साइज 300 mm है, ठीक है, और उसमें माइनस क्या क्या होगा, टू साइड कवर, टू कवर यानी 30 + 30 यानी टोटल, जैसे 300 में दोनों साइड कवर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 240, यानी जो हमारा अंदर अंदर रहेगा यहाँ पर हम फिक्स करते हैं तो 240 हमारा आउटर आउटर स्टिरअप्स का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पहले क्लियर हो गया। उसके बाद में हम इसमें क्या क्या माइनस करेंगे, जैसे हम देखा जाएगा तो आपने कवर यहाँ पर माइनस ही किया था, जैसे हम यहां से दिखाया था कवर, फिर इस तरफ से भी आउटर फेस से 30 कवर, ठीक है। उसके बाद में इस जो स्टिरअप्स का डाया है, हम स्टिरअप्स का डाया 10 mm लिया है थोड़ा इजी होने के लिए, तो ये 10 mm हमारा स्टिरअप्स डाया, यहां से भी 10 mm स्टिरअप्स डाया, ठीक है, ये इधर लिखते जाए तो
जो स्ट्रिप्स कट आया है वो 10 10 माइनस कर दिया। उसके बाद आ रहा है हमें ये मेन बार, जो कि यहाँ पर मेन बार है उसका जो सेंटर में यहाँ पर आना है, इसका भी मेन बार है उसका सेंटर में आ जाना है। तो हमारा मेन बार जो है सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए हमें यहाँ तक प्रोसेस पूरी करनी होगी। अब ये 25 का बार है यानी इसका आधा आधा कितना हो गया, 12.5। ठीक है, ये समझ गया आप। देखिए मैंने क्या क्या किया गया है फिर से एक बार बता देता हूँ, रिव्यूज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 300 एमएम लिया, 300 में 30 को और माइनस करता तो मैं 240 पे आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन किया है, कॉन्क्रीट साइज 300, उसमें टू साइड कवर 30 तो 240 बच गए। उसके बाद हमारा देखिएगा, हम 30 जो राउंड कर दिया कवर है बोल के, उसके बाद देखिए ये फेस को, रिंग को फेस आने के बाद वो 240 हुआ। अंदर हमें आना है सेंटर में बार का, जो मेन बार जो बीम का मेन बार है दोनों साइड में उसका सेंटर में आना है। इसके लिए सेंटर में आने के लिए क्या क्या माइनस किया, इनर फेस आना होगा पहले, इसके लिए हम दोनों साइड से डाया का 10-10 माइनस करते। उसके बाद हमारा जो मेन बार है उसके अंदर सेंटर में आना है, इसके लिए यहां से आधा और यहां से आधा 12.5 12.5 आ गए, क्योंकि हमारा डाया जो है वो 25 mm का है। ठीक है, अभी प्रोसेस आगे, अभी क्या क्या माइनस करेंगे देखिएगा। जैसे हम कवर माइनस, अभी जैसे कि 240 है, 240 में जो स्टिरअप डाया है, डाया दो माइनस करना है, 10 10 यानी कितना बच गया हमारा 220। अभी 220 में हमें टोटल मेन डाया जो है, अभी मेन डाया माइनस करना है, आधा आधा 12.5 12.5 कितना हो जाता है, 12.5 12.5 यानी सीधा आप 25 से माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी समझने के लिए हम यहाँ पर बताया, क्योंकि जब भी मेन बार होता है बीम का तो एक ही होता है कॉर्नर में जो भी आप बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बराबर बैठा रहा हूँ बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझे। तो हम आधा आधा माइनस करने यानी 25 एम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बच जाता है, 195। अभी इसमें क्या डिवाइड कर, देखिए अभी 195 कहाँ तक आ गए, देखिए वो जो आंसर है 195 हमारा आ गया, ये देखिए ये लाइन से ये लाइन डैश डैश वाला 195। देखिए 195 कैसे आया है, इसका मेन बार का सेंटर और इस मेन बार का सेंटर में 195 आ गया। अभी 195 आने के बाद हमारे तीनों जो बार है यहाँ पर, मतलब ये वाला और ये वाला, तीनों का इक्वल सेंटर आने के लिए हमें कितना सेंटर, मतलब कितना आएगा वो निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सेंटर से सबसे नीचे नीचे आ गए और यहाँ पर हम तीनों का सेंटर निकालेंगे। तो देखिएगा इसका सेंटर निकालने के लिए क्या होगा, ये आउटर आउटर का जो सेंटर आ गया बार का, उसको डिवाइड बाय दो स्पैन करना होगा। तो हमारे कितने स्पैन है, इधर एक है 1 और 2, हमारा जो स्पैन कितना है 2 है। तो हमारा यहां पर डिवाइड बाय स्पैन, तो स्पैन कितना है 2 नंबर्स, तो हमारा 2 नंबर स्पैन है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 97.5 बराबर है ना, 97.5 ये हमारा सेंटर टू सेंटर आएगा मेन बार का। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 97.5 ये हमारा इसका सेंटर टू सेंटर आ गया मेन बार का। ये यहां तक आना बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले आपको मेन बार का सेंटर निकालना आना ही चाहिए, ये प्रोसेस आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मेन स्टिरप्स है वो आप कैसे बिठाते हो उसके ऊपर ही हमारा मेन बात होती है। तो ये यहाँ पर आपको इजी समझ गया होगा मैंने क्या क्या सेंटर निकालने के लिए क्या क्या किया गया है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अभी आगे शुरू करते हैं 97.5 का सेंटर लेके, क्योंकि अभी यहाँ पर जो हमारे स्टिरप्स है वो ओनली एक स्पैन में ही बिठी गई है। देखिए यहाँ पर एक स्पैन है तो उसमें बिठाई गई है,
तो मैं यहाँ पर ही आपको कटिंग लेंथ जो साइज है वो निकाल के दिखाने वाला हूँ। अभी मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाला हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अभी जो सेंटर था हमारा मेन बार से मेन बार का, वो हम यहाँ पर ले रहे हैं 97.5 सेंटर टू सेंटर, एक स्पैन का जो है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी साइज निकलने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया था वही हमें यहाँ पर प्लस करना है। अभी यहाँ पर क्या करना होगा, जो स्टिरअप्स है तो जो यहाँ पर क्या करना है, मेन बात पहला क्या देखो, इससे आगे आना है, आगे आना यानी हमारा मेन बार है उसका सेंटर में है, हम आगे आना चाहते हैं तो इसका आधा और इसका आधा बाहर बाहर जाना होगा। जैसे 25 का बार है, इस तरफ में भी 25 है तो 12.5 और 12.5 ये हमारा बार का हो गया। और यहाँ पर जो स्टिरप्स के बाहर बाहर आना है, मान लिया आउटर टू आउटर, तो हमें क्या करना हो, स्टिरप्स डाया, जैसे कि स्टिरप्स डाया, तो स्टिरप्स डाया जो है 10 mm और 10 mm ये वाला प्लस करना होगा। और ये वाला कौन सा है, ये जो दोनों है ये हमारा मेन बार का जो है, मेन बार का आधा आधा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या इसमें प्लस करना है देखिएगा, जैसे हम 97.5 में ये 12.5 यानी 25 mm डायरेक्ट टोटल, यहाँ पर हम इसका और इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 25 mm, और इसका कैलकुलेट करते हैं यानी स्टिरप्स के दोनों डाया तो प्लस 20, यानी हम अभी कैलसी करने वाले हैं। देखिए 97.5, 25 और 20 ये हमारा कैलकुलेशन करेगा, तो हम टोटल हमारा होता है 142.5 mm। आप यहाँ पर अभी 142 की स्टिरप्स बना सकते हैं या आप इसके 145 दिन एक्स्ट्रा रख के भी बना सकते हैं ताकि आपका स्टिरप्स यहाँ पर बराबर बैठ जाए। यानी हमारा जो आया था आंसर वो बताता हूँ 142.5, तो आप 142.5 को आप 3 mm से बढ़ा भी सकते हो ताकि उससे आप परफेक्टली बराबर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकली 3 mm, अपने को देखो 5 mm टॉलरेंस है, तो आप 142 का भी बनाएंगे तो ये आपका परफेक्टली यहाँ पर स्टिरप बैठने वाला है, ठीक है। और एक आपको जानकारी देने वाला था, जैसे कि हमने बोला था कि फर्स्ट शुरू में कि आपका फोर लेग स्टिरप्स बंडल स्टिरप्स में भी बिटा के आपका फोर लेग होती है, तो फोर लेग जो है स्टिरप्स इसमें बंडल में बिटा के कैसे, जैसे कि देखिएगा इसके अंदर में मान लीजिए 32 का डाया होता, ठीक है हमारा हो गया वीडियो, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे इसके अंदर में 32 का डाया होता दोनों तरफ से, ये भी और ये भी, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर है ना प्रैक्टिकली यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो जाता, इन फोर्स ऐसी नहीं यूज होती है, भले ही ड्राइंग में ऐसा दिया है लेकिन ऐसे यूज नहीं होती है। तो उस टाइम में वहां पर मान लीजिए नहीं यूज होती है, वहां पर यूज होता नहीं है, जमती नहीं है, प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते है, आप एक ड्रॉइंग देखिए सीधा आप क्या कर सकते है, बंडल स्टिरप्स में जैसे कि इसको आउटर फेस में एक स्टिरप्स डाल दिया सेम 240 बाय अपना जो इसकी साइज है, कितना इसमें डेप्थ है 500 में टू साइड का और माइनस करेंगे तो कितना होगा 30 यहां से और यहां से 30, यानी हमारा 60 में माइनस करेंगे 440, इसका भी हमारा 440 आएगा, ये ऐसा स्टिरप्स होके हमारा बैठेगा, ठीक है। पहले इसका क्लियर करते हैं 440 142.5 ये हमारा, तो 142.440 का साइज निकल गया, दोनों स्टिरप्स बिठा दिया, ये हो गया फोर लेग। हम दोनों जो दूसरा बोल रहे थे जिसमें नहीं बैठता है उसमें यही वाला फिर से एक डबल स्टिरप्स डाल के यहाँ पर यूज कर सकते फोर लेग, लेकिन आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शन लेनी होती है, आप क्लाइंट को फॉलोअप करना होगा, क्लाइंट से आपको यहाँ ड्रॉइंग ड्रॉ करके दिखाना होगा कि आपका 25-32 का बार है और वहां पर बिठाने में दिक्कत होती है तो आपको सजेशन देंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच सपोर्ट ऐसे ही करते रहना, आप नए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते ही जाना, थैंक यू सो मच।